मैं आ गया हूँ, तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती माँ। अरे ओफो बावले, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली हूँ, खास करके जब तक मेरी पोती श्रुति की शादी नहीं हो जाती है ना, तब तक तो मैं कहीं नहीं जाने वाली। कैसा बाप है तू, अपनी बेटी को शादी के लिए मना नहीं सकता। ले, अभी भी तेरा ध्यान वहीं पड़ा हुआ है, ये ले इसे बंद कर और मेरी बात का जवाब दे। क्या जवाब दूं माँ, कंपनी के 700 वर्कर्स पर राज करने वाला तुम्हारा ये बेटा अपनी बेटी के सामने हार जाता है माँ। मेरे लाल, कब तक हारता रहेगा अपनी बेटी के सामने। एक हमारे बाप थे, यानी कि तेरे नाना, पता है मुझे उठा के मंडप में धर दिया, तेरे बाप के साथ शादी कर दी और पूछा तक नहीं। और एक तू बाप है जो शादी के लिए तैयार ही नहीं कर सकता अपनी बेटी को। बस माँ बस, आज मैं श्रुति को शादी के लिए हाँ करा कहीं मानूंगा। हाँ हाँ मेरे लाल। श्रुति, तुमने जो जो कहा आज तक मैंने वो किया, लेकिन आज के बाद तुम वही करोगी जो मैं कहूंगा। नहीं करूंगी। नहीं करोगी, ओके अब बात तो कर सकते हैं ना बेटा, शादी के बारे में। नो, नहीं। ओके ओके ओके, बैठो बिटिया। वो एक लड़के की तस्वीर थी बिटिया। डैड, फिर से शादी की बात की आपने। नो 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 बेटा, ओनली मंगनी। मंगनी नहीं करते हैं, गेट टुगेदर रख लेते हैं बस। लड़का एक बार तुम्हें देख लेगा और लड़के को तुम देख लेना बस। अभी कोई मुलाकात नहीं होगी। बेटी, मैं तेरे पांव पकड़ता हूँ, मेरी इज्जत का सवाल है बेटी। मैंने अपनी जुबान दे दी, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहूंगा। उसका बाप हमारी कंपनी का बिजनेस पार्टनर है बेटा, प्लीज एक बार मिल लो उससे, सिर्फ प्लीज। ओके 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 ओके, मान गई। मेरी बेटी मान गई। मिस्टर अश्विन गुप्ता, हर काम की एक कीमत होती है और इस काम की भी कीमत होगी। कितना? पूरे 50,000। 50,000? 1,00,000। 50,000 काम के पहले और 50,000 काम के बाद। ओके यस। सिंघानिया साहब तो फाइनेंस के लिए तैयार हो गए हैं। अरे ये लीजिए, आ गई बेटी। आओ आओ। डैड। हाँ बेटा। ये? हाँ बेटा, ये अपने शहर के जाने माने बिजनेसमैन के बेटे हैं और अपने तो बहुत करीबी हैं। ज्यादा एक्साइटेड मत होइए डैड, इससे मैं क्या, मेरी जूती भी शादी नहीं करेगी। अरे ये क्या बदतमीजी है, नहीं तो क्या करेगा? आप लोग, डैड आप इसे नहीं जानते, ये एक नंबर का कमीना है। What? मतलब तुम्हारे बाप ने तुम्हें लेकर मेरी आंखों में धूल झोंकी, तुम्हारे बारे में मुझे सब कुछ गलत बताया। अरे अंकल जाने दीजिए ना, फाइनेंस भी नहीं चाहिए कि नहीं आपको। ए, भाषण बंद कर और निकल यहाँ से। ए, सेट अप, जब दो लोग आपस में बात करते हैं ना। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरह से बात करने की? वरना इतना मारूंगा कि तेरा बाप तुझे पहचान नहीं पाएगा। गुप्ता अंकल ये सही नहीं, मेरी जरूरत पड़ेगी, आप पछताओगे। So much now. Did I something wrong today? नहीं बेटे। डैड आप चाहते हैं ना कि मैं आपकी मर्जी से शादी करूं? नहीं, मैं बस इतना चाहता हूं बेटा कि अब तुम शादी कर लो।
मैं अपनी मर्जी तुम पर कभी थोपना नहीं चाहता। बेटा तुम्हारी ये दादी, उसने बचपन से ही मेरी हर इच्छा पूरी की है, और उनके जीते जी तुम्हारी शादी करके उनकी आखिरी इच्छा पूरी कर देना चाहता हूँ मैं। उसके लिए मुझे तुम्हारी हाँ की जरूरत है। डैड, मैंने तो कब का हाँ कर दिया है, लेकिन वो पागल। बेटा, डू यू लव समवन? यस डैड। अरे तुमने पहले क्यों नहीं बताया, कौन है, क्या करता है, कहाँ रहता है? डैड, वो बस मुझसे प्यार करते हैं। आई लव यू श्रुति, आई लव यू। कभी कबीर, कबीर, ये क्या पागलपन है? ये पागलपन नहीं, दीवानगी है। अपना तो यही फंडा है, पहले तो किसी को दिल ना दो, और जब दिल दे ही दिया तो जान की परवाह कैसी। कबीर, आई लव यू। बन के रहे हीर तू, मैं हूँ रांझा।
लड़कियां भी ना, यार सब्र नाम की भी कोई चीज होती है। मैंने तुम्हें मना किया था ना अभी हमारे रिलेशन के बारे में किसी को मत बताना, पर तुम कबीर कबीर कबीर, तुम सोच भी नहीं सकते पापा ने जैसे मुझसे बातें की। मैंने सोचा भी नहीं था पापा ने वैसा रिस्पॉन्स दिया। पता है क्या कह रहे थे? कह रहे थे तुमने जिसे पसंद किया होगा वो हीरा ही होगा। अब तुम उन्हें जाके बता दो तुम हीरा ही नहीं बल्कि हीरो भी हो। प्लीज कबीर मना मत करना, कबीर प्लीज, कबीर मना मत करना, प्लीज 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 कबीर। ओके थैंक यू। तुम्हारी पोती ने पहली बार खाना बनाया, देखो रोटियां थोड़ी जल गई हैं लेकिन एकदम गोल गोल हैं, देखो देखो पापड़ कैसा है। नो डैडी, पहले कबीर को आने दो, पहले वो खाएगा फिर हम सब खाएंगे। है मेरा ठिकाना जहां मैं रहता हूं, तुम दो मिनट रुको मैं भी आया। कबीर मैं भी आती हूं ना। नो गर्ल्स आर नॉट अलाउड इन दिस हॉस्टल सो प्लीज वेट बेबी। मैं यूं गया और यूं आया, प्लीज वेट। यहां कोई कबीर नाम का लड़का रहता है क्या? क्या नाम का? कबीर कबीर। यहाँ पे कबीर नाम का लड़का कोई नहीं रहता। ऐसा कैसे हो सकता है? आप एक बार फिर से चेक करेंगे प्लीज? नहीं रहता है बोला ना मैडम। एक बार ट्राई कीजिए प्लीज। आप खुद ही चेक कर लीजिए। ओके थैंक यू। क्या
श्रुति, अयोगे आई एम ओके डैड, आई एम ओके, डोंट वरी अबाउट मी, आई एम ओके। चिंता तो होती है ना बेटे, आज 15 दिन हो गए तुम्हें ऐसे देखते हुए। He will back, Dad. He will back. I wait for him. He will back. I wait for him. He will back. बेटा मेरी बात तो सुनो। श्रुति मेरा बच्चा, पगली कहीं की, इतना मुस्कुराता हुआ चेहरा है तुम्हारा, तुम्हारी ये रोनी सूरत मुझे अच्छी नहीं लगती। तू ये सोच के परेशान हो रही है ना कि तेरे कबीर के आने से पहले कहीं मैं टपक ना जाऊं? ऐसा कुछ नहीं होने वाला पगली, बिल्कुल घबरा मत। जब तक तेरा कबीर आ नहीं जाता और जब तक तेरी शादी उससे हो नहीं जाती, मैं अपनी सांसों को थाम के रखूंगी, मुझे कुछ नहीं होगा। अब चुप हो जा मेरी बच्ची, चुप हो जा बस मेरा बच्चा। दादी! क्या हुआ माँ? दादी, आप लोग चाहते हैं ना कि मैं शादी कर लूं? हाँ, मैं रेडी हूँ। आप लोग जहाँ चाहे मेरी शादी कर सकते। खुश रहो बेटा। कोई मामूली धागा नहीं, ये मेरे प्यार का बंधन है। आज से मैं तुम्हें अपना, 7 जन्मों के लिए अपना बना रहा हूं। जिस दिन ये धागा तुम्हारे हाथ से खुल जाएगा, उस दिन मैं तुम्हारी यादों से बहुत दूर चला जाऊंगा। कम से कम इस जन्म में तो अपने से दूर मत करो श्रुति। जब मैं तुम्हारे घर के लिए निकला, वहां मेरी हड्डियां जुड़ रही थी और यहां तुमसे मेरी जिंदगी का बंधन जुड़ रहा था।
अगर आज भी मैं नहीं पहुंचता तो न जाने कितनी देर हो जाती। देर तो हो चुकी है कबीर, बारा दरवाजे तक आ चुकी है, और अगर इस वक्त मैंने तुम्हारी हकीकत घर वालों के आगे रखी तो हम तो शायद हंस भी ले, लेकिन घर वाले बदनामी के समंदर में डूब जाएंगे। अब कुछ नहीं हो सकता कबीर, अब कुछ नहीं हो सकता। मैं अपने पापा का सर समाज के आगे झुकते हुए नहीं देख सकती। हाथ जोड़िए। मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्षात्, मंगलाय तनु हरि। कन्या को बुलाइए, शादी का मुहूर्त बीता जा रहा है। जी पंडित जी। थोड़ा जल्दी कीजिएगा। अभी बुलाता हूँ। केसर, श्रुति को ले। तो क्या अपनी जिंदगी खाई में धकेल दोगी? उनके खुशी के आगे मेरा ये दुख बहुत छोटा है कबीर। तुम पागल हो गई हो श्रुति, तुम पागल हो गई हो। अपने लिए नहीं तो कम से कम अपने पापा के लिए सोचो, जो तुम्हारी आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं देख सकते। वो तुम्हारी जिंदगी जाते हुए कैसे देखेंगे? वैसे भी तुम जिससे शादी करने जा रही हो ना, वो तुम्हारा प्यार नहीं है। यू लव मी श्रुति, तुम मुझसे प्यार करती हो, मुझसे। करती थी कबीर, करती थी। तो अब क्या हुआ, वो प्यार मर गया? अगर मेरे लिए तुम्हारा प्यार ही मर गया तो फिर मैं जिंदा क्यों? नो, I should finish my life. Come and stop it. Kabir. No, Kabir, stop it. Stop it, Kabir. Shruti? कहाँ चली गई? साथ हो, ये खत में लिख तो दिया ना तुमने? हाँ कबीर, लिख तो दिया है, और अब तक तो शायद पता भी चल गया वो। ओम भूर्वस्वः सवितुर्वरेण्यं रेण्यम भर्गो देवस्व धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम सर्व मंगल मांगल्य शिवे सर्वार्थ साधिके सर्वे त्र्यंबकेश्वरे नमः। माँ रो मत, माँ तू अपने खून को नहीं पहचानती क्या? केसर फोन देना, फोन लाओ ना। कबीर स्टॉप, स्टॉप कबीर। क्यों, क्या हुआ? मेरा फोन नहीं है। वो तो तुम्हारे टेबल पर पड़ा था। ये तुमने बड़ी गलती कर दी बेटा। श्रुति, बाय इवेंट्स बेबी। मेरा फोन छूटा इडियट। मेरे घर छोड़ने से घर वाले जितना परेशान नहीं होंगे, उससे ज्यादा फोन छूटने से परेशान होंगे। अश्विन, अब क्या होगा बेटा? माँ चिंता मत करो, श्रुति वापस आ जाएगी। ये देखो लिख के गई है ना, मैं एक हफ्ते में वापस आ जाऊंगी। डैडी आप मुझे समझ सकते हैं। मैं तो समझ गया बेटा, पर तू नहीं समझ पाई कि तूने कितनी बड़ी गलती की है। कबीर, हम पिछले 2 घंटे से चले जा रहे हैं और 12 बजे के बाद तो कोई होटल भी नहीं मिलेगा। श्रुति, आज हम लोग होटल में नहीं रुक सकते, अगर होटल में रुके तो पकड़े जाएंगे।
एक काम करते हैं, कोई जगह ढूंढते हैं और वहीं रुकते हैं। यहां रुके? कबीर, यहां तो कोई नहीं है। अच्छा, यहां कोई नहीं है, रात बिताने के लिए इससे अच्छी जगह और क्या हो सकती है? यहीं रुकते हैं, कल सुबह सुबह निकल जाएंगे, ठीक है? मुझे बहुत नींद आ रही है, मुझे सोना है। आ जाओ, यहीं लेट जाओ। नो कबीर, मुझे बहुत डर लग रहा है, यहाँ कोई जंगली जानवर तो नहीं आएंगे ना? आराम से सो जाओ। ओके। और घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। श्रुति, 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 सोने दो ना। श्रुति, सुबह हो गई, उठो, निकलना है हम लोगों को। उठो, नींद पूरी हो गई? कबीर, अब हम लोग जाएंगे कहाँ? दार्जिलिंग। दार्जिलिंग? हाँ, दार्जिलिंग, मेरे फ्रेंड केतन के पास। हेलो केतन। हेलो कबीर, कैसा है तू? अच्छा नहीं हो यार, क्या हुआ? कबीर, एक मिनट। चलो अच्छा है, उसके घर पर कोई नहीं है, बड़े घर के कमरे में वो रहेगा और सारे घर में हम दोनों। लेकिन हम पहुंचेंगे कब? शाम तक। ओके।
कबीर कैसा है तू? I'm fine यार. How are you? I'm fine यार. और बढ़िया ना सब? सब first class. मुझे तो लगा इस बार भी तू मजाक ही कर रहा है. हाँ यार, हर बार मजाक करता रहा और इस बार मैटर इतना सीरियस हो गया कि हमारी तो जिंदगी ही छिन जाती. ओहो, ये श्रुति है. श्रुति, ही इज माय बेस्ट फ्रेंड केतन. हाय. हाय. तुम लोग बाहर ही रहोगे या अंदर भी चलोगे? केतन, हमारे आने से कोई परेशानी तो नहीं? अरे क्या बात कर रहा है, पहली बार दोस्ती निभाने का मौका मिला, कोई कसर नहीं छोड़ूंगा. अरे भाभी जी आइए ना. अरे नो भाभी, आई एम योर फ्रेंड, शी इज योर फ्रेंड एंड वी आर लाइक फ्रेंड्स. तो हम सब फ्रेंड्स हैं यार. पर भाभी. श्रुति, आई एम श्रुति. सॉरी श्रुति जी. श्रुति चलेगा. ओके गाइस, आई एम सो टायर्ड, कैन आई टेक अ बाथ? ओ ऑफ कोर्स, दैट वे फर्स्ट राइट. ओके थैंक्स. यार पूरा सेटल होने का प्लान बनाने के बाद तू मुझसे मिला? क्या बताऊं यार, ये भी जल्दबाजी ही है यार. बैठ, मैं भी जरा फ्रेश होके आता हूँ. ओके ठीक है, जा फ्रेश हो जा तू. सॉरी, दिस ड्रेस इज फॉर यू. मेरी कजन सिस्टर आई हुई थी, उसी का है, पहन सकती हो आप. केतन. Yes. Thank you. You're welcome. Wow. ये भी है. ये मेरा favorite है यार. Wow. Nice. ये तो मैं लेता नहीं. Wow. ये भी है. कूल यार. हाय गाइस, क्या कर रहे हो तुम दोनों? दोनों नहीं, सिर्फ ये. ही इज सेलिब्रेटिंग दिस डे. व्हाई? अरे यार, मेरे घर में नया नया जोड़ा आया है, पार्टी तो बनता है ना यार. ओह नाइस. वाओ. ओह नो 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 नो. व्हाट हैपेंड? फर्स्ट ड्रिंक, सेकंड डांस एंड लास्ट में डिनर. बट आई डोंट हैव हैबिट. हो जाती है धीरे धीरे, सारी आदतें बन जाती हैं. नो नो नो. अरे शैंपेन है यार. नो केतन. अरे बाबा, इसने कहा ना नहीं पीती. ठीक है. अरे ब्रीजर भी लाया हूं. थैंक यू. तू तो पिएगा ना, या तू भी नहीं? ओके चेयर. नाइस यार. तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं, तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं. मैं झूठ कहूं तो कहूं तो, झूठ कहूं तो कहो तो कहो तो मर जाओ. तेरे इश्क में हद से गुजर जाऊं.
केतन। गुड नाइट। गुड नाइट ब्रदर, सो जा। कबीर, कम ऑन। बहुत मजा आया। कम ऑन बेबी। कबीर, आगे शादी के बाद। नो सोना, प्लीज। नो माय डायमंड, वी बॉर्न इन इंडिया, थोड़ा तो कल्चर का ख्याल करो कबीर, और इस पॉइंट के लिए शादी तक इंतजार करो। चलो अब गुड बॉय जैसे सो जाओ। चलो सो, चलो कबीर, चलो सो जाओ, सो जाओ कबीर। कबीर क्या हुआ? कबीर, कबीर क्या हुआ? कबीर, कबीर, कबीर ये क्या कर रहे हो? कबीर, कबीर ये क्या किया तुमने? कबीर, कबीर ये क्या किया? ए, कबीर ये क्यों किया तुमने? तुमको शादी करनी थी ना, हो गई शादी, जाओ सो जाओ। कबीर, कबीर, कबीर तुम मुझसे नाराज नहीं हो सकते। कबीर इतनी छोटी सी बात पे इतना नाराज हो गए? कबीर सॉरी, कबीर सॉरी, प्लीज मान जाओ ना बेबी। आई लव यू, आई लव यू कबीर, आई लव यू। कबीर क्या हुआ? कबीर, बेटी का केस एसपी साहब ने मुझे दिया है, इसलिए कुछ जानकारी लेने आ गए। जी बताएं। आपने बताया था कि आपकी बेटी किसी कबीर नाम के लड़के साथ गई हुई है। जी। उसके बारे में कुछ पता है आपको? क्या कोई तस्वीर मिल सकता है उसका? मैंने श्रुति का मोबाइल चेक किया था। जी। उसमें कोई तस्वीर नहीं है। कोई बात नहीं, आप हमें श्रुति का मोबाइल नंबर दे दीजिए, मैं पता करता हूँ। जी। लेकिन इंस्पेक्टर साहब, मेरी बेटी मिल तो जाएगी ना? जी 100%, आप मुझ पे भरोसा रखिए। हरिराम जो केस अपने हाथ में लेता है, उसे बगैर सॉल्व किए हुए छोड़ता नहीं। चलता हूँ गुप्ता जी। जय, जैसे ही कुछ खबर मिलता है कॉल करता हूँ आपको।
क्या सोच रहे हो? कुछ खास नहीं। घर की याद आ रही है मेरे सोना को? हाँ, पापा से ज्यादा तो दादी परेशान होगी, ना जाने उनकी तबीयत कैसी है। एक मिनट, कहाँ गया स्वर्गलोक, 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 कहाँ गया स्वर्गलोक? ये स्वर्गलोक क्या है? हमारा ससुराल, यानी कि तुम्हारा घर। ओ हेलो, स्वर्गलोक में लोग मरने के बाद जाते हैं। तो मैं कौन सा जिंदा पहुँचूंगा? तुम्हारे पापा मुझे देखते ही गोली मार देंगे। फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, माई डैड इज नॉट यमराज, बिकॉज वो गोरे भी है और हैंडसम भी। ओहो, यमराज तो काले कलूटे होते हैं। उन्होंने अभी हैंडसम रूप धारण किया, जैसे मैं सामने आऊंगा विकराल रूप में आ जाएंगे, बोलेंगे कबीर मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, अभी बताती हूं। मुझे नहीं पकड़ सकती, आप किधर हो? रुको मैं अभी। रुको, भाग के पकड़ो, 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 कबीर पकड़ो, पकड़ो, भाग के पकड़ो। मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, तुमने मेरे पापा की शिकायत की, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। रुको, भाग के इधर हो कबीर, कबीर मैं थक गई। पहले से ज्यादा तुम पे मर। ए, क्या चल रहा है? बड़ा रोमांटिक मूड लग रहा है आज तो। नथिंग मच यार, तुझे मालूम है? हाँ। श्रुति को आलू के पकोड़े और पुदीने की चटनी बहुत पसंद है यार। मतलब तूने एक घंटा किचन में रहने का प्लान बना लिया है? एक घंटा तो नहीं, लेकिन 45 मिनट्स तो लगेगा। उसके बाद सब बैठ के नाश्ता करते हैं यार। ओके, ऑन ब्रेकफास्ट। श्रुति को सरप्राइज देने के लिए मैं किचन को बाहर से बंद कर दूं? अरे ताकि तेरे साथ खुशबू भी किचन में ही रहे। नॉट अ बैड आइडिया यार। ओके ओके देन गो ऑन। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कबीर कहाँ है? पता नहीं, गया होगा कहीं। Mango juice for you. No, it is mine. ये glass तुम्हारा है। क्यों? दोनों में तो juice ही है ना? Yes. फिर ये क्यों नहीं? ये क्यों? वो क्या है कि तुमने इसमें peels डाले हैं ना, ताकि मैं बेहोश हो जाऊँ और तुम? No, Shruti. Just shut up. Look, Mr. Ketan, मैं तुम्हारे घर में आई हूँ और तुम कबीर के दोस्त हो, इसलिए मैं कुछ बोल नहीं रही, वरना लड़कियों में लड़कों की नजरियों को बदलने का सिक्स सेंस होता है, समझे? कबीर, कबीर, सुनो तो, कबीर, श्रुति, कबीर, श्रुति, you bastard, how dare you to touch my body? तुम समझते क्या अपने आप को? क्या हुआ श्रुति? He is your best friend ना, पूछो इससे, मुझे कौन सा नशा देने की कोशिश कर रहा था? अरे पागल, ये तो फ्लेवर्ड पिल्स है। बेकार में तुमने उसे मार दिया। केतन, ए केतन,
श्रुति की तरफ से मैं माफी मांगता हूँ। I'm sorry, please, please माफ कर देना उसे। It's okay यार। गलत फहमी हो गया था उसे यार। केतन, I'm so sorry केतन, please मुझे माफ कर दो, please, please, please। अब तो माफ कर दे बे। हंसता हंसता हंसता। चलो अब चलते। जय हिंद सर। जय हिंद। श्रुति का मोबाइल डिटेल्स आया? यस सर। अरे आंखें जल रही तुम्हारी। केतन तुम भी ना बहुत अजीब हो। अजीब आदमी नहीं हूँ मैडम, दोस्त तू दोस्त। कबीर क्या हुआ? कबीर यू डोंट डिस्टर्ब मी, दिस इज अ पर्सनल मैटर, गो फ्रॉम हियर। कबीर जस्ट शट अप। कबीर आखिर हुआ क्या है? बोलो मत, मेरी आंखें देख सकती हैं सब कुछ। क्या देख रही है तुम्हारी आंखें? वही तुम्हारे और केतन के बीच में जो चल रहा है। कबीर डोंट शाउट, तुम्हारे चिल्लाने से सच्चाई झूठ नहीं हो जाएगी। कबीर कबीर तुम मुझ पर शक कर रहे हो, मैंने तुम्हारे लिए अपनी फैमिली तक छोड़ दी। और केतन के लिए? केतन के लिए हमें छोड़ दोगी ना? तुम लड़कियों की जात भी ना। वैसे बात गार्डन तक ही सीमित है या बेडरूम तक पहुँच गए? मैंने सोचा भी नहीं था तुम्हारी सोच इतनी घटिया भी हो सकती है। हाँ मैं घटिया? मेरी सोच घटिया? साफ सुथरे तो तुम दोनों हो ना, तो तुम दोनों ही रहो। डोंट कॉल मी, आई एम गोइंग, एंड डोंट फेस मी बिच। यू ब्लडी, यू कॉल मी बिच? कबीर कहाँ जा रहे तू? देख कबीर, कोई भी फैसला इतनी जल्दबाजी में नहीं लेते हैं। तुझे मुझ पर शक है ना, तो मैं जाता हूँ यार। खुद को जेंटलमैन शो कर रहे हैं। चल कबीर, छोड़ दिया उसको, ऐश कर। कबीर होती खबर जो तूने
मुझसे मिल देखो, इस तरह रोते रहने से कोई बात संभल तो नहीं जाएगी ना। कल से तुमने कुछ नहीं खाया, चलो कुछ खा लो। I was wrong, Ketan. I was wrong. मैं अपना सब कुछ छोड़कर आई थी उसके लिए। श्रुति, परेशान मत हो। देखो वो गुस्से से बाहर गया, गुस्सा ठंडा होते ही वो लौट आएगा। क्या जवाब दूंगी पापा को, क्या कहूंगी उनसे? श्रुति, मैं कबीर को बचपन से जानता हूँ, वो बुरा नहीं है, बस उसे थोड़ा बहुत गुस्सा आ जाता है। मैं तो घर भी वापस नहीं जा सकती, केतन, कबीर ने मुझे कहीं का नहीं छोड़ा। देखो, तुम टेंशन मत लो, जितनी देर वो गुस्सा है उतनी ही देर वो बाहर है, वो वापस आएगा। और अगर वो वापस नहीं आया तो? वो आएगा और वापस जाएगा। क्यों? क्योंकि तुम रो रो कर अपनी सूरत ही खराब कर लोगी तो कौन रहेगा तुम्हारे पास? हाँ, चलो मुस्कुरा दो, हंस दो, हंस दो, सो नाइस। चले कुछ खाते हैं? चलो। कबीर, प्लीज कबीर वापस आ जा, श्रुति यहाँ बहुत परेशान है। और उसकी जड़ तू है, पर तुझे क्या कहूँ, वो तो है ही जिस्म की भूख साली बिच। कबीर, शांति से मेरी पूरी बात तो सुन। कबीर प्लीज, तू एक बार श्रुति से शांति से बात तो कर ले प्लीज। मुझे उस बच्चलन से बात नहीं करना है, और तू भी फोन कट कर। श्रुति, 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 नहीं श्रुति, शांत हो जा। श्रुति छोड़ो मुझे, श्रुति, श्रुति, श्रुति शांत हो जा प्लीज, ठंडे दिमाग से काम ले। श्रुति, 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 श्रुति शांत हो जा। श्रुति, 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 श्रुति सुनो, श्रुति, श्रुति, श्रुति क्या कर रही हो तुम? श्रुति चलो मेरी बात, मुझे मार जाने दो। श्रुति, श्रुति शांत, श्रुति, श्रुति, केतन, I'm so sorry. मैंने तुम पर हाथ उठाया। You were not wrong, श्रुति. Sorry तो मुझे बोलना चाहिए, पर मैं क्या करता? तुम्हारा frustration कम करने के लिए मुझे दूसरा कोई और उपाय समझ में नहीं आया, और मैं तुम्हें। तुमने मुझे क्यों रोका केतन? I don't want to live. दुनिया में हर दूसरा आदमी उस कगार पे खड़ा है श्रुति, जहाँ पे उसे मर जाना चाहिए,
पर फिर भी जीने वाले की तादाद बहुत ज्यादा है। इनमें से कई तो मर भी जाते हैं। जिंदगी मिली है तो उसे जी लेना चाहिए, इसे आसानी से खोना नहीं चाहिए। मैं क्या करूं कीर्तन, मैं क्या करूं? मैं अपने पापा के खिलाफ जाकर मंडप छोड़कर आई हूँ। सोचा था एक बार उसके साथ घर चली जाती तो शायद पापा हमारी जिद के आगे मजबूर हो जाते, लेकिन अब तो सामना भी नहीं कर सकती। उसने तो मेरा साथ ही छोड़ दिया, मुझे मेरे घर से दूर कर दिया। I'm sorry, Dad. मुझे माफ कर दो दादी। क्या हुआ अश्विन, कुछ पता चला? हाँ माँ, वो तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? श्रुति कहाँ है? माँ वो जहाँ भी है अच्छी है। इंस्पेक्टर से मेरी बात हुई थी, वो कह रहे थे श्रुति दूसरे शहर में है, वो जल्दी आ जाएगी। माँ माँ चिंता मत कीजिए, वो आ जाएगी, भरोसा रखिए। सर, मैं क्या करूं? श्रुति ने ये कौन सा कदम उठा लिया? अगर उसे कुछ हो गया तो? नहीं नहीं, ऐसा मत कहो, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ, उसे कुछ नहीं होगा, वो हिम्मत वाली है, मेरी बेटी इतनी कमजोर नहीं है। अश्विन चुप हो जाओ, अगर तुम इतना हिम्मत हार जाओगे तो माँ का क्या होगा, हम कैसे जिएंगे? इंस्पेक्टर बता रहे थे कि वो जिस लड़के के साथ भागी है वो पागल है, सनकी है, ना जाने वो मेरी बेटी के साथ क्या कर रहा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा, मेरी बेटी के साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, वो कमजोर नहीं है, वो हिम्मत वाली है। देखो अश्विन, मत रो प्लीज, अगर माँ को पता चला तो? अश्विन चुप हो जाओ, मैं कहती हूँ ना, मेरी बेटी आएगी, जरूर आएगी, शी विल कम बैक। देख ज्यादा मत बोल, बस तू एक बार श्रुति से बात कर ले यार, मैं स्पीकर ऑन करता हूँ। मुझे मत दिखा, तू उसे देख और समझ, वो ऐसी लड़की है जो किसी एक के साथ नहीं रह सकती। मैं उससे बात करना तो दूर, मैं उस कुतिया की आवाज भी सुनना नहीं चाहता। हराम ज्यादा, तू क्या मुझसे बात नहीं करेगा? अब मैं तुझसे बात नहीं करना चाहती, और तुझे क्या लगता है मैं तेरे बिना मर जाऊंगी? नहीं हाँ, पर तुझे जरूर मार डालूंगी। जिस दिन तू मेरे सामने आया ना, उस दिन तेरा आखिरी दिन होगा। अब रख फोन, रख कमीना। नो श्रुति, नो। ओके, आई एम ओके। और तुम मेरे दोस्त हो ना, तो आज के बाद तुम इस मैटर पे बात नहीं करोगे उससे। नहीं चाहिए वो, मुझे नहीं चाहिए वो केतन। और अगर वो इस घर में आता है तो मैं चली जाऊंगी यहाँ से। और अगर तुम चाहते हो कि मैं इस घर में रहूं, तो तुम उसका
जिक्र भी नहीं करोगे। श्रुति, केतन। यस, कहाँ? मैं कब तक तुम पर बोझ बन के रहूंगी? आई शुड गो फ्रॉम हियर। हेलो मैडम, एक दोस्त दूसरे दोस्त पर बोझ नहीं बनते, और तू कहीं नहीं जा रही, ठीक है? केतन, श्रुति, केतन सुनो तो मुझे सही। कुछ नहीं सुनना है। केतन, केतन प्लीज मेरी बात तो सुनो, प्लीज केतन। नहीं केतन, बस प्लीज नहीं जाना है बस। केतन नो no. सैड सैड क्यों? खुश हो जा यार, खुश हो जा। अरे हंस दो, अरे हंस दो, अरे अरे हंस दो, अरे इट्स फॉर यू। हमेशा तुम इसी तरह खुश देखना चाहता हूँ श्रुति। क्या तुम मेरी इन हरकतों को पसंद करोगी? I love you. पागलपन नहीं,
दीवानगी है। पहले तो किसी को दिल ना दो, तुमको शादी करने दे ही दिया तो जान में शर्मा कैसी। श्रुति कहां जाएगी बदनाम होने, तू हाँ कर दे, इसी में तेरा और तेरी फैमिली का भलाई है। हाँ कर दे श्रुति, हाँ कर दे, हाँ कर दे श्रुति। केतन सॉरी श्रुति, मैं हमेशा तुम्हें खुश रहना, हंसते रहना, यही चाहते हो ना, तो फिर जाने क्या कह दिया है, देखा था कभी ख्वाबों में जो वो जहां मिल गया है, होता नहीं यकीन, जमी थमी है और मैं बह रहा हूँ। है पुकारा तुझ में खो जाऊं, भुला के जग सारा। दिल ने तेरे दिल को बड़े दिल से है पुकारा। तेरे मेरे दरमिया
हो कोई दूरियां, आ मिटा दे ये फासले, कर ले सरगोशियां। होता नहीं यकीन जमी थमी है और मैं बह रहा हूँ। दिल ने तेरे दिल को बड़े दिल से है पुकारा, तुझ में खो जाऊं भुला के जग सारा। दिल ने तेरे दिल को बड़े दिल से है पुकारा। जय हिंद सर। जय हिंद। कोई सुराग मिला? नहीं सर, लेकिन सर श्रुति जिन लोगों से लंबे समय तक फोन पे बात करती थी वो लोग इसी शहर में हैं। इसका मतलब उसमें से कोई भी लड़का साइको नहीं है जिससे श्रुति रोज बात करती थी। जी सर, पर एक नंबर और भी है जो इस शहर का मशहूर बिजनेसमैन अमित शाह के नाम पे है सर, जिससे हमारी बात नहीं हो पाई। इसका मतलब कबीर कहीं अमित शाह का तो लड़का नहीं। हवलदार गाड़ी निकालो। यस सर, इंस्पेक्टर साहब आए हैं, आपसे मिलना चाहते हैं, भेज दूं उनको? ओके, भेजिए उनको। मैं कम इन? यस प्लीज कम इन। हरिनाम, इंस्पेक्टर हरिनाम, स्पेशल क्राइम ब्रांच। प्लीज हैव अ सीट। थैंक यू। टेल मी व्हाट आई कैन डू फॉर यू। नॉट मच, मेरे चंद सवालों का जवाब दे दीजिए बस। कहीं आप कबीर के बारे में तो नहीं पूछताछ करना चाहते हैं? जी बिल्कुल सही सोचा आपने। देखिए अब वो मेरा बेटा नहीं है। What? जी हाँ, मैंने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया है। क्यों? हम सब मस्ती करेंगे अब। Don't worry darling, बिल्कुल कोई चिंता की बात नहीं है। Dad, Dad, I got it, Dad. I Hi. Meet her, Dad. She's Dazzy. इसे हमारी सारी शर्तें मंजूर हैं। कबीर, तुम इस लड़की से शादी करोगे? Yes, Dad. कबीर, have you gone mad? तुम इस लड़की से शादी करोगे? इस लड़की से? जो हर रात किसी दूसरे के साथ सोती है। ए हेलो, ये दोनों भी अपन के साथ कोई पूजा नहीं करेगा रात को। यू शट अप। ए मैं किधर ज्यादा बोली रे? हाँ या ना? नहीं तो मैं चली। ए रुक डैड, आप ही तो कहते थे डैड ये लड़की के कारण दोस्ती टूटता है, सो हम दोनों एक ही लड़की से शादी कर लेंगे तो हमारी दोस्ती टूटने का कारण खत्म। सो प्लीज डैड प्लीज। बेटा तुम कैसी बातें कर रहे हो? शादी एक जन जन्मांतर का बंधन होता है, ये कोई गुड्डे गुड़िया का खेल नहीं है कि तुम एक गुड़िया ले आए और तुम दोनों गुड्डे मिलके इसे शादी कर लो। ए मैं सब झेल लेगी रे, बस तू मेरे को बहू बना ले इस आलीशान महल की, कभी कभी तेरे को भी चांस दे दूंगी। यू शट अप आउट। अरे अंकल आप समझते क्यों नहीं, हम दोनों किसी भी हालत में अलग नहीं होना चाहते। केतन तू तो अपना मुंह ही मत खोल, तू अपनी शक्ल मत दिखा मुझे, निकल यहां से चल। डैड ही इज माय बेस्ट फ्रेंड, डोंट मिसबिहेव विद हिम। अच्छा तो क्या करोगे? आपको मालूम है इसे कोई कुछ कहता तो मैं उसे क्या करेगा तू? हां क्या करेगा तू? ले किया मिसबिहेव। डैड किया तू मेरे दोस्त पे हाथ उठाया? हाँ। तेरी तो कबीर, कबीर कबीर ये तुम्हारा बाप है। गार्ड्स गार्ड्स इसने तुम पे हाथ उठाया यार। हे स्टॉप,
कोई हाथ नहीं लगाएगा। तुझे ये शादी मंजूर नहीं है ना, लेकिन हम दोनों वही करेंगे जो हमें मंजूर है। तो करो, लेकिन याद रखना मैं तुम्हें अपनी जायदाद से बेदखल करता हूँ, एक फूटी कौड़ी नहीं दूंगा तुम दोनों को। ए हटना, नहीं चाहिए तू और तेरी जायदाद। चल देसी, निकल, हम करेंगे तेरे साथ शादी। चल ए चल हट रे, मैं बिना नोटों के एक रात एक लड़के के साथ न गुजारूं, और तुम दोनों कंगाल। तेरी तो मेरे दोस्त का डांट के चल हट को बाहर मेरे पे हाथ उठाओ। इन दोनों का छोड़ दे, देख तो बाहर चल, दे छोड़ दे भिखारी, छोड़ दे कंगाल, मेरे पास आएगा बिना पैसे के। बस कबीर उस दिन के बाद कभी काम नहीं किया। इंस्पेक्टर साहब, उसकी कमजोरी वही बन गया जिसको मैं उसकी ताकत बनाने के लिए लाया था, उस बात से उठाकर। पहले कपड़े फिर जूते, अब तो दोनों साथ साथ लड़की भी शेयर कर रहे हैं। कबीर का ही नाम सामने आया है। ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जहां कबीर होगा वहां केतन जरूर होगा। They both will be together. मतलब श्रुति एक नहीं दो दो पागलों के साथ है। जी हाँ, क्योंकि जहां कबीर होगा वहीं केतन भी होगा, दोनों साथ होंगे। सवाल का क्या जवाब दूं जिसके शब्द ही बेईमान हो। इट्स नॉट बैड, कबीर इज अ बैड गाय। दिल से कहूं श्रुति, कबीर अगर आंखों में आंसू चेहरे पे पछतावा और जुबा पे माफी ना मांगे तुम्हारे सामने आए तो क्या तुम उसे माफ नहीं करोगे? अगर वो नहीं जाता तो तुम नहीं आते मेरी लाइफ में, और तुम्हारे प्यार के साए में शायद मैं माफ भी कर दूं, लेकिन तुम तो माफ नहीं करोगे ना। मेरी माफी मैं दे दूंगा श्रुति, अपनी तरफ से तुम उसे माफ कर दो। श्रुति,
सच में मान जाएगी ना? मान जाएगी, पक्का मान जाएगी, उस पे भरोसा है ना? तुम्हें अपना बनाने की देखो बेटा, अगर तुम मुझसे अपनी हर बात शेयर करोगी तभी तो मैं तुम्हारी हर गलत जिद को सही तरीके से पूरा कर पाऊंगा। अगर जिंदगी में तुमसे कभी भी ऐसी गलती हो जाए कि तुम्हें अपने चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे, कोई रास्ता नजर ना आए, तो सबसे पहले अपने माइंड को स्टेबल करना और शांत मन से सोचना। तुम्हारा सिक्स सेंस तुम्हें जरूर रास्ता दिखाएगा बेटा। खाई है, खाई है। श्रुति, 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 बेबी खोलो ना, हम दरवाजा खोलो ना। पापा, क्या हुआ अश्विन? कैसर हमारी बेटी, वो मुझे याद कर रही है, लगता है वो किसी बड़ी मुसीबत में है। इंस्पेक्टर, हेलो इंस्पेक्टर, आपकी बेटी का पता चल गया है। क्या, कहाँ है वो? वो दार्जिलिंग में है। अच्छा, कल आपकी बेटी आपके पास होगी। थैंक यू इंस्पेक्टर, थैंक यू सो मच। केसर, हमारी बेटी मिल गई। क्या? इंस्पेक्टर का फोन था, वो कह रहे थे कि वो दार्जिलिंग में है और वो उसे लेकर कल आ रहे हैं। सच में? हाँ। ये तो बहुत अच्छी खबर है, गुड न्यूज। माँ को मैं बताता हूँ। जरूर बताता हूँ। तेरा लाख लाख शुक्र है। अरे केतन, हमारी जान तो सुबह से कुछ नहीं खाई है यार। भूख जितनी बढ़ेगी खाना खाने में उतना ही मजा आएगा। लेकिन उसने अंदर से दरवाजा बंद करके यार। अरे दरवाजा बंद है तो क्या हुआ, दूसरा रास्ता भी है। श्रुति, डोंट क्राई श्रुति। श्रुति, तुमने देखा है ना, तुम्हारे आंसू हमारे सीने पर चिंगारियों की तरह गिरते हैं। डोंट क्राई प्लीज। तुम दोनों मेरे पास मत आना। व्हाट्स रॉन्ग विद यू श्रुति? मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुम्हें पता है ना, केतन, he's a good man. मैं तुम्हें छोड़ के चला गया था ना, फिर भी तुम्हारे साथ था ये। हम दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं श्रुति। तुम दोनों पागल हो गए हो, तुम दोनों ने मिलके मुझे धोखा दिया है। कैसी बात करती हो मेरी जान, जब एक लड़का दो पत्नियों के साथ रह सकता है तो हम दोनों एक पत्नी के साथ क्यों नहीं? My dad will kill you, master. हमारे प्यार के बीच में अगर भगवान भी आया ना तो कभी गला दबा देंगे। देखो श्रुति, हम दोनों अलग अलग तुम्हारे साथ पति बनकर सो चुके हैं, तो फिर एक साथ रहने में क्या प्रॉब्लम है? हाँ श्रुति सोचो, जब मैं तुम्हारे होंठ चूम रहूंगा ना, ये तुम्हारे कदम। मेरे दोस्त को थप्पड़ मारेगी? कभी, ये जान है हमारी, प्यार की बातें प्यार से करेंगे हम। श्रुति तुमने एक मारा ना। ए, क्या करता है तू? श्रुति तुमने एक मारा ना, मैंने 10 मारा, पर मान जाओ हमारी बातें। We truly love you. हमारी जान ने 2 दिन से कुछ नहीं खाया है। चलो श्रुति, चलो चलो कुछ खाते हो, चलो ना। आजा, प्लीज लव यू। आजा, कभी कहीं तुम्हें ज्यादा तो नहीं लगा ना? Oh!
श्रुति। श्रुति ए श्रुति। Please.
दिया मैंने इसको, मार दिया। बहुत समझाने की कोशिश की थी मैंने इसे, समझी नहीं, मार दिया मैंने, मार दिया। श्रुति उठना, श्रुति मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, श्रुति उठना, श्रुति उठना, श्रुति श्रुति तुझे मारा था दफना दे इसको। Thank you.